नमस्कार दोस्तों, भोलाराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक जीवन में व्यस्त होंगे। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं मस्त नहा धो के तैयार होके विद्यालय जाने के लिए तैयार हूँ और अभी सर लोगों का इंतज़ार है। सर लोग आएंगे और हम यहाँ से 6:18 या 20 मिनट में विद्यालय के लिए निकल जाते हैं। अभी मॉर्निंग विद्यालय है, लौटते हैं 2 बजे, उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे। अभी 1:30 बजे है और मैं विद्यालय से वापस आ चुका हूँ और अभी सभी विद्यालय से आए हैं। गर्मी है तो देखिए जैसे तैसे रह रहा है। और इधर किटी अभी मोबाइल देख रही थी ना, मूवी देख रही थी मोबाइल पर। टीवी को लोग बंद कर देता है और मोबाइल पर मूवी देखता है ना। चलिए दोस्तों भोजन पहले करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे खेत पर हम लोग आए हुए हैं और खेत में अभी यहाँ पेक्ची लगा है सब्जी के लिए और इसमें भी पानी दिए हैं और अभी दूसरे खेत में डालने जा रहे हैं। माला लेके जा रही है। अभी हम लोग परवल वगैरह वाला खेत में पानी ले जा रहे हैं। दोस्तों अभी माला यहाँ प्याज ओनियन का सीड जो होता है दाना फूल से निकाल रही है। इस टाइप का फूल है और उसमें हेल्प कर रहा है भाई, नाच रहा है इस पर ना। क्या कर रहा है जी, क्या कर रहा है? और दोस्तों हमारे घर के बगल का ये पौधा देख लीजिए, पूरा घना हो चुका है। अब आराम से एकदम हॉट समर डे में आराम से बैठ के उधर हम लोग समय इसमें गुजार सकते हैं। निकल रहा है, इस टाइप के कारी दाना निकलता है ना, लेकिन पीट रहे हैं इसने छूटता है। ये 2000 रुपए किलो तक बिकता है ना। अगले साल फिर से लगाएंगे हम लोग। पूरी तरह सूखा नहीं है जी, इसलिए नहीं निकल रहा है। पूरी तरह सूखा नहीं है इसलिए नहीं निकल रहा है। सुखा दे, हिला फटाक लेते हैं। हाँ, जो निकलता है उसको निकाल लीजिए, उसके बाद सुखा दीजिए। दोस्तों दिन में किस कारण बस मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था। अभी रात का समय है और गरज मलक के साथ वर्षा शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं सोचा थोड़ा आपको दिखा दूं। सुप्रभात दोस्तों, और अभी 4:40 हो चुके हैं। कल मैं ब्लॉगिंग पूरा नहीं कर पाया था और अभी हम लोग उठे, बाहर में पूरा गरज मलत के साथ एकदम वर्षा होने को तैयार है। तो हम लोग अभी जानवर बांधने चलेंगे और माला भी अपना तैयारी कर रही है क्योंकि गैस नहीं है तो लकड़ी उकड़ी को रखेगी जुगाड़ करके ताकि दिक्कत ना हो। चलिए पहले जानवर बांध लीजिए। दोस्तों अभी जोर से वर्षा होने लगी है और जानवर को इधर बांधेंगे हम लोग। खोलिए, खुला यहाँ बांध दीजिए। दोस्तों अभी वहां से हम लोग दौड़ते हुए दूसरे घर पे आ चुके हैं। ठीक से रखो, ठीक से लेनो चाय दे। सब कितनी सीधा कर दो। दोस्तों अभी बाहर में अच्छी खासी वर्षा हो रही है। दोस्तों बिल्कुल छमाछम वर्षा होना शुरू हो चुकी है और एकदम गरज मलक के साथ। दोस्तों बाहर में पानी अब रुक चुकी है गिरना। अब हम गाड़ी वगैरह निकालते हैं, गाड़ी और साइकिल रहता है बरामदे में, इसको पहले निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब फटाफट तैयारी करते हैं विद्यालय जाने की। ब्रश करना, स्नान करना और भोजन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद विद्यालय की ओर प्रस्थान करना।
दोस्तों अभी घर के सामने एक बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया है, तो इसे हम लोग अंतिम संस्कार के लिए उधर ले जाएंगे। रोड पर यहाँ रहना उचित नहीं होगा और वो दबते चला जा रहा है। यह एक्सीडेंट सुबह सुबह हुआ है जिसमें बहुत तेज़ी से वर्षा हो रहा था, आंधी तूफान चल रही थी, उसी समय किसी ट्रक के नीचे आने से हुआ और पूरी तरह बॉडी क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों अभी हम उस बिल्ली को उधर गड्ढे में रख के और ऊपर से मिट्टी थोड़ा सा डाल दिए हैं ताकि वो गंद ना करे, और अभी हम लोग को विद्यालय भी जाना है जल्दी से। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा यह ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।